विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 2 की हिंदी अंकुश पुस्तिका का पाठ संख्या 5 है और ये आपकी लेक्चर संख्या 21 है। हमने आपके पिछले वीडियो में आपके पाठ संख्या 4 के भाषा ज्ञान के प्रश्न समाप्त किए थे, साथ में जो भी अतिरिक्त प्रश्न दिए हुए थे हमने उन्हें भी कर लिया था। अब इस वीडियो में हम आपका नया पाठ शुरू करेंगे जो है पाठ संख्या 5, हम एक हैं। यह एक कहानी है, तो आइए चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बहुत घना जंगल था, उस जंगल में तरह तरह के पेड़ थे। अब यहाँ पे घना शब्द का अर्थ होता है पेड़ों से भरा हुआ, ठीक है, यानी कि उसका घनत्व, वहाँ संख्या पेड़ों की बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक जंगल की बात है, तो और उस जंगल में तरह तरह के पेड़ थे, यानी अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। सब फलों के और फूलों के पेड़ थे। उन सारे वृक्षों पर, उन सारे पेड़ों पर अलग अलग प्रकार के फूल और फल हुआ करते थे। इन पेड़ों के साथ साथ जंगल में कई जानवर भी रहते थे, पर कुछ वर्षों से जंगल खाली होता जा रहा था। अब ये जो जंगल था, इसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ कई प्रकार के अलग अलग प्रजाति के जानवर भी रहते थे, परंतु कुछ वर्षों से यह जंगल खाली होता जा रहा था, यानी कि इसमें जानवरों की संख्या घटती चली जा रही थी। एक दिन इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से पूछा, क्या इमली खाओगे? अब ये बात जो हो रही है, ये बातचीत जो है, वो एक इमली के पेड़ और एक आम के पेड़ के बीच में हो रही है। और इमली का पेड़ आम के पेड़ से पूछता है कि क्या आम का पेड़ कुछ इमलियाँ खाना चाहता है? आम के पेड़ ने हंसकर कहा, भाई हम लोगों के भाग्य में अपने फल कहाँ, हमारे फल तो मनुष्य और जानवर खाते हैं। फिर आम कहता है मुस्कुराकर, हंसकर, इमली के पेड़ से कि उन पेड़ों के नसीब में अपने खुद के फल खाना नहीं लिखा, क्योंकि उनके फल मनुष्य और जानवर खाते हैं। मनुष्य का अर्थ है आदमी, इंसान, तो इंसान और जानवर ही इन पेड़ों के फल को खा जाते हैं। फिर तुम्हारी इमली कैसे खाऊं, मनुष्य को देखते ही डर के मारे मेरे पत्ते हिलने लगते हैं। फिर आम आगे कहता है कि वो इमली कैसे खा सकता है, क्योंकि जब भी वो किसी मनुष्य को देख लेता है तो उसके सारे पत्ते डर के मारे कांपने लगते हैं। ये हमारे फल तो खाते हैं, पर हमें आरी से काट भी डालते हैं। भाई आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है? फिर आम कहता है कि हमारे फल मनुष्य खा भी जाते हैं, और फिर ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी लकड़ियों के लिए हमें काट भी देते हैं। और आम इमली से ये पूछता है कि आखिर उनकी इसमें क्या गलती है कि उन्हें काट दिया जाता है। इमली का पेड़ चुपचाप सुनता रहा, तभी उस जंगल से एक दो ट्रक निकले। अब आम के पेड़ की ये सारी बातें, जो उसकी व्यथा थी, जो उसका दुख था, ये सारी बातें इमली का पेड़ चुपचाप सुनता रहता है बिना कुछ बोले। तभी वहाँ से वो देखते हैं कि एक दो ट्रक वहाँ से निकल रहे हैं। उनके धुएं से आम के पेड़ को खांसी आ गई, वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। अब उन ट्रकों से बहुत ज़्यादा धुआँ निकल रहा था, जिस वजह से क्या होता है, आम के पेड़ को खांसी आने लगती है। तो आज के वीडियो में हम कहानी यहीं तक रहने देंगे, और फिर अगले वीडियो में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।